हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू सोशलॉजी क्लासेस बी ए पार्ट थर्ड टूडे आवर टॉपिक इज तथ्य संकलन का अर्थ ओके सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम वी शुड स्टार्ट दिस वीडियो ऑन दिस टॉपिक तथ्य संकलन का अर्थ मीनिंग ऑफ डेटा कलेक्शन ओके अकॉर्डिंग टू गाल्टन गाल्टन ने बताया है कि सामाजिक अध्ययनों में तथ्य संकलन का तात्पर्य केवल उन्हीं तथ्यों को एकत्रित करने से है जिन्हें अवलोकन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है यह तथ्य चाहे दृश्य में हो अथवा निहित हो ओके इसका तात्पर्य यह है कि सामाजिक विज्ञानों में अन्य अन सभी अन्य सभी विज्ञानों के समान आंकड़े तथा तथ्य हमारी अवलोकन करने की चेतना सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पर निर्भर होते हैं दूसरे शब्द में ये कह सकते हैं कि जिस विशेषता का अध्ययनकर्ता अपनी दृष्टि अथवा चेतना के द्वारा स्वयं अवलोकन न कर सके उसे तथ्य संकलन के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जा सकता है उदाहरण के लिए यदि व्यक्ति ऐसा समझता है कि कुछ व्यक्तियों अथवा उत्तरदाता द्वारा सूचनाएं प्राप्त कर लेना ही तथ्य संकलन का वास्तविक आधार है तो यह धारणा बहुत ही भ्रमपूर्ण है यह सच है कि उत्तरदाता से प्राप्त सूचनाएं तथ्य संकलन के अंतर्गत अवश्य आती हैं, लेकिन ऐसी सभी सूचनाओं को तथ्य संकलन का आधार नहीं माना जा सकता है तथ्यों के अंतर्गत केवल सूचनाओं का समावेश किया जा सकता है जो अवलोकन के योग्य अनेक तथ्य द्वितीय स्रोतों जैसे संग्रहालय पुस्तकों डायरियों अथवा अभिलेखों द्वारा प्राप्त हो सकते हैं लेकिन यदि वे तथ्य भी तार्किक रूप से अवलोकन योग्य हों तो उनका संग्रह करना तथ्य संकलन के अंतर्गत आता है इस प्रकार स्पष्ट होता है कि तथ्य संकलन का तात्पर्य अध्ययन विषय से संबंधित ऐसी सभी सूचनाओं तथ्य तथा आंकड़ों को एकत्रित करने से है जो क्षेत्र कार्य फील्ड वर्क तथा द्वितीय के स्रोतों के द्वारा संकलित किए जाते हैं तथा जिनका संबंध किसी भी प्रकार की अभिव्यक्ति बोध तथा लेखों से होता है इसका तात्पर्य है कि तथ्य संकलन के अंतर्गत केवल अवलोकन द्वारा प्राप्त किए गए तथ्यों द्वारा उत्तरदाताओं द्वारा दी गई सूचनाओं का ही समावेश नहीं होता है बल्कि इसके अंतर्गत अध्ययनकर्ता के वस्तुनिष्ठ अनुभवों इम्प्रेशन का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है इन सभी तथ्यों के व्यवस्थित संग्रह का नाम ही तथ्य संकलन है ओके नेक्स्ट ऑप्शन है तथ्यों के प्रकार टाइप्स ऑफ डेटा अध्ययनकर्ता विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए अध्ययन क्षेत्र में जाकर और उत्तरदाताओं से संपर्क कर स्थापित करके महत्वपूर्ण तो तथ्य एकत्रित कर सकता है कभी-कभी वह कभी उत्तरदाताओं के पास डाक द्वारा प्रश्नों की सूची भेजकर सूचनाएं प्राप्त करना अधिक उपयुक्त समझता है तो कभी अध्ययन क्षेत्र में जाकर विभिन्न तथ्यों का अवलोकन करने से ही महत्वपूर्ण तथ्य संकलित किए जा सकते हैं अनेक तथ्य इस प्रकार के होते हैं जिन्हें अध्ययन क्षेत्र से बाहर के लोगों से मिलकर प्राप्त किया जा सकता है अथवा केवल सरकारी अभिलेखों और पहले किए जा चुके अध्ययनों के आधार पर उन्हें एकत्रित किया जा सकता है इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक अध्ययन विषय से संबंधित तथ्यों की प्रकृति बहुत विविधतापूर्ण होती है इनमें से बहुत से तथ्य गुणात्मक होते हैं और कुछ परिमाणात्मक होते हैं इस स्थिति में अध्ययन की सरलता के लिए सभी प्रकार के तथ्यों को दो भागों में विभाजित करके इनकी प्रकृति को समझा जा सकता है ओके इसे हम प्राथमिक तथ्य प्राइमरी डेटा तथा द्वितीयक तथ्य सेकेंडरी डेटा भी कहते हैं नंबर वन है हमारा प्राथमिक तथ्य प्राइमरी डेटा अकॉर्डिंग टू पीवीएन पीवीएन ने कहा है कि प्राथमिक तथ्यों का तात्पर्य उन सभी मौलिक सूचनाओं अथवा आंकड़ों से है जिन्हें स्वयं अनुसंधानकर्ता प्राथमिक स्रोतों द्वारा प्राप्त करता है यही कारण है कि प्राथमिक तथ्यों को हम आधार तथ्य बेसिक डेटा प्रथम स्तरीय तथ्य फर्स्ट हैंड डेटा तथा क्षेत्रीय तथ्य फील्ड डेटा आदि नामों से भी संबोधित करते हैं प्राथमिक तथ्य किसी भी सर्वेक्षणकर्ता द्वारा स्वयं एकत्रित किए गए तथ्य होते हैं इसका संकलन अध्ययनकर्ता या तो स्वयं विभिन्न दशाओं का अवलोकन करके करता है अथवा वह विषय से संबंधित व्यक्तियों से वार्तालाप के द्वारा या प्रश्नावली के माध्यम से प्राप्त किए गए उत्तरों द्वारा करता है दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि जो तथ्य पूर्णतया नए होते हैं और किसी भी विधि के द्वारा इनका संकलन स्वयं अनुसंधानकर्ता द्वारा किया जाता है उन्हें हम प्राथमिक तथ्य कहते हैं ओके उदाहरण के लिए यदि एक अध्ययनकर्ता बाल अपराध के कारणों का अध्ययन करने के लिए कुछ चुने गए बाल अपराधियों से संपर्क स्थापित करके तथ्यों का संकलन करें स्वयं भी उनकी दशाओं का अवलोकन करें तो इस प्रकार से संकलित सभी तथ्य को हम प्राथमिक तथ्य कहेंगे ऐसे तथ्यों को संकलित करने के अनेक स्रोत हो सकते हैं जिनकी विस्तृत विवेचना हम आगे करेंगे सेकंड पॉइंट है आपका द्वितीयक तथ्य सेकेंडरी डेटा द्वितीयक तथ्यों का तात्पर्य उन सभी सूचनाओं से होता है जिन्हें एक अध्ययनकर्ता स्वयं एकत्रित नहीं करता है बल्कि वह उसे प्रकाशित या अप्रकाशित लेखों अभिलेखों पत्रों डायरियों आत्मकथाओं तथा सरकारी रिपोर्ट आदि से स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं इसका तात्पर्य यह है कि द्वितीयक तथ्य किसी विशेष स्थान अथवा विभाग से पहले से ही सुरक्षित होते हैं अध्ययनकर्ता का कार्य केवल समुचित को करके उनका अनुसार संकलन और उपयोग करना होता है। यह सच है कि द्वितीय तथ्यों के आधार पर ही किसी अनुसंधान कार्य को पूर्ण नहीं किया जा सकता है लेकिन कुछ विशेष प्रकार के तथ्यों की प्रामाणिकता को जानने अथवा एक विशेष अध्ययन के विभिन्न पक्षों का सामान्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए ऐसे तथ्य बहुत महत्वपूर्ण होते हैं कोई भी अध्ययनकर्ता अपने सीमित साधनों के बाद भी ऐसे तथ्यों का उपयोग कर सकता है जो आवश्यकता पड़ने पर भी उनका कभी भी पुनः उपयोग किया जा सकता है इस कारण द्वितीय तथ्यों को अधिक मित्वयी समझा जाता है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सोर्सेस ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा तथ्य संकलन के स्रोत अध्ययन विषय से संबंधित तथ्यों का संकलन करने के लिए उन स्रोतों को भी जानना आवश्यक है जहां से विभिन्न प्रकार के तथ्य अथवा आंकड़े प्राप्त किए जा सकते हैं वास्तव में तथ्यों के संकलन में बहुत से स्रोतों का उपयोग किया जाता है यह अध्ययन विषय की प्रकृति तथा अध्ययनकर्ता की कुशलता पर निर्भर करता है वह किन किन स्रोतों से तथ्यों का संकलन करता है तथ्यों को संकलित करने के स्रोत जितने अधिक विश्वसनीय और सुलभ होते हैं संकलित तथ्य भी उतने अधिक प्रामाणिक बन जाते हैं ओके अकॉर्डिंग टू पी वी पीवी यंग ने तथ्य संकलन के सभी स्रोतों को दो भागों में विभाजित करके स्पष्ट किया है नंबर है प्राइमरी ऑफ़ फील्ड सोर्स प्राथमिक अथवा क्षेत्रीय स्रोत। तथ्य संकलन का यह वह स्रोत है जिसके अंतर्गत अध्ययनकर्ता स्वयं ही अध्ययन क्षेत्र में जाकर सामग्री का संग्रह करता है इस आधार पर इस, इस स्त्रोत को भी दो उपभागों में विभाजित किया जा सकता है प्रत्यक्ष स्रोत तथा अप्रत्यक्ष ओके प्रत्यक्ष का क्या होता है कि अध्ययनकर्ता घटना घटनाओं का स्वयं अवलोकन करके उनका संग्रह करें तथा अनुसूची के आधार पर उत्तरदाताओं से संपर्क स्थापित करके विभिन्न प्रकार के तथ्यों को एकत्रित करें और अप्रत्यक्ष स्रोत कौन सा होता है अध्ययनकर्ता विषय से संबंधित व्यक्तियों से स्वयं ना मिले ठीक है लेकिन डाक द्वारा जो भेजी गई जो प्रश्नावली है मत पत्र है अथवा किसी प्रकार की अपील के द्वारा तथ्यों का संग्रह करने का प्रयत्न करें ये सभी प्रविधियाँ प्राथमिक तथ्य प्राप्त करने का स्रोत हैं अतः इन्हें प्राथमिक स्रोत भी कहा जाता है सेकंड पॉइंट है द्वितीयक तथा प्रेखीय स्रोत। सेकेंडरी और डॉक्यूमेंट्री सोर्स इसके अंतर्गत बे सभी स्रोत आते हैं जिनसे पहले से ही एकत्रित तथ्यों की जानकारी ली जा सकती है द्वितीयक तथ्य ये द्वितीय स्त्रोत तो जो है दो प्रकार के होते हैं व्यक्तिगत प्रलेख और सार्वजनिक प्रलेख पर्सनल डॉक्यूमेंट और पब्लिक डॉक्यूमेंट ओके अकॉर्डिंग टू पीटर एच मैन ने कहा है कि प्राइमरी सोर्स प्रोवाइड डेटा गैदर्ड एट फर्स्ट है That is to say, they are original sets of produced by the people who collect them. जो प्राथमिक स्तर पर हमें विभिन्न प्रकार के आधार तथ्य प्रदान करते हैं इसका तात्पर्य है कि वह तथ्यों को संकलित करने वाले लोगों द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों का मौलिक स्वरूप होते हैं ओके जॉर्ज लुइनबर्ग ने प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों के अतिरिक्त तथ्य संकलन के क्षेत्रीय फील्ड सोर्स तथा ऐतिहासिक स्रोत हिस्टोरिकल सोर्स को भी महत्वपूर्ण माना है क्षेत्रीय स्रोत के अंतर्गत जीवित व्यक्तियों द्वारा एकत्रित तथ्य तथा अध्ययनकर्ता द्वारा स्वयं किए गए अवलोकन को सम्मिलित किया जाता है ओके ऐतिहासिक स्रोत का तात्पर्य उन सभी ऐतिहासिक प्रमाणों से है जिनका अध्ययन में आवश्यकता अनुसार उपयोग किया जा सकता है इस प्रकार लुंडवर्ग ने अप्रत्यक्ष रूप से भी तथ्य संकलन के स्रोत में प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत की विशेषताओं का उल्लेख किया है ओके सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल थैंक यू फॉर वाचिंग थैंक यू